सप्तशृंगी से बुलढाणा की ओर भाविकों को लेकर निकली बस खाई में जा गिरी। इस भयानक हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वहीं 30 भाविक जख्मी हुए। जख्मियों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कैसे हुआ यह हादसा, जानने के लिए एक नजर इस खबर पर। सप्तशृंगी पहाड़ से बुलढाणा जिले की ओर जाने वाली खामगांव डिपो की बस बीच रास्ते में बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत तथा कम से कम 30 व्यक्तियों के जख्मी होने की खबर प्रकाश में आई है। मिली जानकारी के मुताबिक यह बस सप्तशृंगी पहाड़ पर ठहरी हुई थी और खामगांव डिपो की यह बस आज सुबह जब यात्रा के लिए वापस निकली, उसी दरमियान खाई में गिरकर यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बस जब पहाड़ से उतर रही थी तब कोहरे की वजह से चालक का बस पर से नियंत्रण छूटा और यह बस खाई में गिरी। वहीं की शासकीय यंत्रणा की मदद से नागरिकों ने यात्रियों को बाहर निकाला तथा जख्मियों को नजदीक के दवाखाने में भर्ती किया। यह सभी यात्री भाविकगण बताए जा रहे हैं जो सप्तशृंगी दर्शन के लिए गए थे। घायलों में चालक तथा वहां कभी समावेश है।